नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एचएल और इस एचएल कौटिल्य क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत पर। बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह सोचते हैं, इस विषय में जीन पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों का अवलोकन किया और साक्षात्कार किया। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वह दो अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की दो अवस्थाएं हैं। नंबर 1, प्रायत्त नैतिकता की अवस्था। यह जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था है। यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। नैतिक विकास की प्रथम अवस्था में बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था यह जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की दूसरी एवं अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 7 से 10 वर्ष या इससे बड़े बच्चों की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्त पर आधारित नैतिकता दिखाते हैं। इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं कि नियम सिर्फ हमारी आसानी के लिए बनाया गया है, जिसे बदला भी जा सकता है। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आएँ तो मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।